नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से और उसके बाद आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डालते हैं। फसल अवशेष निस्तारण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, गांधी भवन सभागार में ग्राम प्रधानों को किया गया जागरूक। कृषि उपनिदेशक ने कहा, पराली को ना जलाएं, खेत में ही करें निस्तारित। जलालाबाद के कोला गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद के बाद महिला ने उठाया कदम। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पति को लिया हिरासत में। पति और सास के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। गर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर। नदी के आसपास बसे लोगों की धड़कनें हुई तेज। जिला प्रशासन ने लोगों से खास एहतियात बरतने की बात कही। शाहजहांपुर पुलिस का अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी। पुलिस ने 57 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अवैध शस्त्र, कारतूस और कच्ची शराब हुई बरामद। और तिलर में भारतीय किसान यूनियन ने बारिश से बर्बाद हुए किसानों को राहत देने की मांग। किसानों की मांग, सरकारी धान क्रय केंद्रों पर मानकों में दी जाए छूट। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शाहजहांपुर के जाने माने सर्जन डॉक्टर वसीम अब नहीं रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर वसीम गंभीर बीमारी से लंबे समय से पीड़ित थे और इलाज के बाद अब वह घर पर ही थे। यहां आज शाम 4 बजे उनका निधन हो गया। डॉक्टर वसीम को रात्रि 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। डॉक्टर वसीम के निधन के बाद चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों में शोक की लहर है। डॉक्टर वसीम खां के निधन के बाद चिकित्सा क्षेत्र को बड़ी क्षति हुई है। पराली निस्तारण के लिए आज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गांधी भवन सभागार में आयोजित हुआ था, जिसमें उप कृषि निदेशक धीरेंद्र सिंह और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर एनसी त्रिपाठी मौजूद रहे। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम में जिले भर के ग्राम प्रधान भी शामिल हुए, जिनको बताया गया कि वह अपनी अपनी ग्राम पंचायत में किसानों को फसल अवशेष प्रबंध के बारे में जागरूक करें और पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया जाए। उप कृषि निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि पराली जलाने से वातावरण के नुकसान के साथ साथ किसानों को भी बड़ा नुकसान होता है। पराली जलाने से मिट्टी में मौजूद मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव फसल उत्पादन पर भी देखने को मिलता है। शासन द्वारा अब फसल अवशेष के लिए कई स्कीम चलाई जा रही हैं, जिसमें फसल अवशेष का उचित प्रबंध कर सकते हैं। निगोई इलाके में ईंट भट्टे के पास पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक की पहचान हमजापुर के रहने वाले 25 वर्षीय शिवम के रूप में हुई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर परिजन भी पहुंचे। हालांकि इस बात की जानकारी अभी नहीं हो पाई कि शिवम ने फांसी क्यों लगाई है। जलालाबाद थाना क्षेत्र के रोली बोली गांव में सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान ने एसडीएम को शिकायत देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान का कहना है कि यहां कुछ दबंग सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर बुनियाद खोद रहे हैं और निर्माण कराने की तैयारी में हैं। फिलहाल एसडीएम ने मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद प्रशासन भी अलर्ट पर है। वहीं नदी के आसपास बसे लोगों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। नगर निगम प्रशासन ने लोगों को खास एहतियात बरतने की बात कही है। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा का कहना है कि नगर निगम के द्वारा सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर लिया गया है। नगर निगम द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका नंबर भी सार्वजनिक कर दिया गया है और किसी भी आपात स्थिति में इन नंबरों पर कॉल करके मदद ली जा सकती है।
थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कच्ची शराब और 9000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध शराब का धंधा खूब फल फूल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तारी की है। कुठार के रौतापुर गांव को जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई। तस्वीरें रौतापुर गांव को जाने वाली सड़क की हैं। यहां हाईवे पर बरसात का पानी भरा हुआ है। इस दौरान राहगीरों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे होने की वजह से कई बार राहगीर गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। तिलहर के कचियानी खेड़ा स्थित मंदिर को शिफ्ट करने के लिए मुस्लिम बाबू अली ने अपनी जमीन दान में दी है। बजरंगबली के लिए जमीन दान देने वाले बाबू अली का कहना है कि इस तरह की सोच हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को मजबूत करती है। इसके अलावा बाबू अली ने योगी आदित्यनाथ के कामों से भी प्रभावित हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे से मंदिर को बाबू अली की जमीन में शिफ्ट करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जलालाबाद इलाके के कोला गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के बाद महिला ने एक कदम उठाया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं पति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विवाहिता के पिता की तहरीर पर पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि भागवत कथा में जाने को लेकर परिवार में विवाद हुआ था। करवा चौथ के मौके पर आज बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली है। आज सुबह से ही महिलाएं श्रृंगार की खरीदारी में लगी रहीं, तो वहीं मेहंदी लगवाने के लिए भी महिलाओं में खासी ओढ़ लगी रही। तस्वीरें शाहजहांपुर की चूड़ी वाली मार्केट की हैं। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर सिंधौली के खिरिया रसूलपुर गांव में बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। रैली जूनियर हाई स्कूल के बच्चों द्वारा निकाली गई थी। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधौली के नेत्र परीक्षण अधिकारी डॉक्टर सुदीप शुक्ला पहुंचे, जिन्होंने रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य इरफान अहमद ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान बच्चों ने नारा लगाकर लोगों को जागरूक किया। तेलहर में भारतीय किसान यूनियन ने बारिश से बर्बाद हुए किसानों को राहत देने की मांग की है। यहां दर्जनों किसान एसडीएम से मिलने पहुंचे और मांग की गई कि बारिश से जो धान को नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकारी क्रय केंद्रों पर मानकों में कुछ छूट दी जाए। दरअसल किसानों का कहना है कि बारिश के बाद धान की गुणवत्ता में गिरावट आई है और क्रय केंद्रों पर मानक के अनुसार ना पाए जाने पर रिजेक्ट किया जा रहा है। पुवाया थाना क्षेत्र के गुदनी गांव में महिला ने ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गुदनी की रहने वाली निशा ने पुलिस को शिकायत देकर ससुरालियों पर आरोप लगाया कि उनके ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं और मांग पूरी ना होने पर आए दिन उसको मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। करवा चौथ के मौके पर रोजगार भारती द्वारा स्टॉल लगाकर सुहागिनों को मेहंदी लगवाई गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक धर्मेंद्र भारत ने अपने संबोधन में रोजगार भारती के विश्व के विभिन्न माध्यमों से चर्चा की और रोजगार भारती के महत्व को भी बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें स्वरोजगार को लेकर जागरूक होना चाहिए और अपने स्वयं के रोजगार को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। आज शाहजहांपुर जिला अस्पताल में 23वां विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। इस दौरान लोगों को आंखों की देखरेख के बारे में अवेयर किया गया, साथ ही इस दौरान 150 लोगों की आंखों की जांच की गई। इस मौके पर डॉक्टर अमित सूद, डॉक्टर आदित्य आर्य, डॉक्टर प्रताप कनौजिया, डॉक्टर निकिता अग्रवाल, राहुल भारती और पंकज कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की आंखों में आने वाली संभावित समस्याओं को लेकर जानकारी दी। शाहजहांपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 57 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
जिनके पास से अवैध शस्त्र, कारतूस और कच्ची शराब बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने वांछित अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। किसानों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आज कलान एसडीएम को सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम किसान कलान पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि बेमौसम हुई बारिश से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनका सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही जिन किसानों या ग्रामीणों की बारिश के दौरान कच्चे मकान ढह गए हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाकर मुआवजा दिलाया जाए। आज बंडा में दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क उपकरण के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप बीआरसी परिसर में लगाया गया था। यहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक चेतराम ने दिव्यांग बच्चों को ट्राई साइकिल, बैसाखी और कान से सुनने की मशीन अपने हाथों से वितरित की। विधायक ने कहा कि इन उपकरणों की मदद से दिव्यांगों को चलने फिरने और सुनने में सुविधा होगी। पोवाया क्षेत्र के गंगसरा में पहले मोबाइल चार्ज करने को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि गंगसरा के रहने वाले राजू और नन्हे ने शराब पी रखी थी और पहले मोबाइल चार्ज करने के लिए दोनों में बहस हुई, इसके बाद दोनों में मारपीट हो गई। इस दौरान परिजनों द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गई तो वहीं पुलिस ने दोनों को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया और शांति भंग करने की धाराओं में चालान भी किया गया।